रोसड़ा डीएसपी शहरियार अख्तर के नेतृत्व में टीम गठित कर बिथान थाना क्षेत्र के सिहमा गांव के समीप से मोटरसाइकिल से भाग रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी निरंजन कुमार के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल को बरामद पुलिस ने किया है। रोसड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रोसड़ा डीएसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले के कई थानों में दर्जनों लूट छिनते जैसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। लास्ट महीने में और जनवरी में लगातार कुछ आपराधिक घटनाएं घटी, जिसमें कुछ फिनांस कर्मियों से और सीएसपी से लूटपाट की घटनाएं घटित लगातार हुई थी। उस संबंध में पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था मेरे नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष हसनपुर और बिथान तथा उधर यही अपराधी जो है गढ़पुरा साइड में भी, मझौल साइड में भी लगातार अपराध कर रहे थे, तो उनके भी सहयोग से लिया गया और सारे अपराधी जो है बिथान थाना क्षेत्र के हैं, जिसमें से कल जो है निरंजन यादव है, जिसको सीमा से देसी लोडेड पिस्टल और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया कल शाम में। और उसके बाद जो है इसने अपने संलिप्तता कई कांडों में स्वीकार की है, जिसमें बड़गांव में 1/12/2020 को बड़गांव में एक घटना घटित हुई थी, सीएसपी के पे गोली चलाया था लेकिन पैसे लूटपाट नहीं कर पाया था। फिर कटौसी में 31/12 को फिनांस कर्मी से करीब 2.5 लाख रुपए की लूटपाट की गई थी। फिर मुरली में, बिथान के मुरली में 32,000 रुपये फिनांस कर्मी से लूटपाट की गई थी। फिर खैरा कोट में एक हसनपुर के व्यवसायी हैं, उनसे 12,000 रुपये लूटपाट किया गया था। फिर गढ़पुरा में भी मोटरसाइकिल लूटपाट और जो है फिनांस कर्मी के पैसे लूटपाट की गई थी। मझौल में किया गया था, नवाकोठी में कई एक मामले जो है लगातार हो रहे थे। उसी सिलसिले में कल निरंजन यादव की गिरफ्तारी, जो सीमा का रहने वाला है, उसकी हुई है। और इसने अन्य साथियों के बारे में ही बताया, एक उसी क्रम में एक अपराधी था मुलायम यादव भिकनौलिया का, जिसके पीछे पुलिस लगातार लगी हुई थी, लेकिन उसका सखुआ के पास एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। और इस कांड में जो इसका मास्टरमाइंड है वो बबलू यादव है, जो कराची का रहने वाला है और वो एक मर्डर के केस में फरार भी चल रहा है। लगातार छापेमारी हुई, आज भी वो दिल्ली जाने की फिराक में था, बस में उसका सामान पाया गया लेकिन वो बाहर में था, वो भागने में कामयाब हुआ, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा इसके गैंग में नीतीश यादव है सीमा का, संतोष पासवान है सीमा का और अनमोल यादव है सीमा का। चूँकि इसके ऊपर पहले कोई भी कांड दर्ज नहीं था, कई कांड इसने किया था, लेकिन जब पकड़ में आया ये तो तकनीकी आधार पे भी इसका जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ पे इसका लोकेशन पाया गया है। और इसमें जो है एक मोटरसाइकिल लूट की गई थी गढ़पुरा से दिनांक 29/12/2020 को, तो वो भी मोटरसाइकिल बबलू यादव के घर से बरामद किया गया।